नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम खबर है। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जेई मेंस की जो तीसरी और चौथे चरण की परीक्षाएं उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, जो चूंकि कोरोना की वजह से ये परीक्षाएँ लगातार टल रही थी, और आज शिक्षा मंत्री ने आज जानकारी देते हुए बताया कि ये जो परीक्षा है, जो थर्ड फेज की परीक्षा है, वो 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएंगी, और जो फोर्थ परीक्षा है वो आपकी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। इसके दौरान जब परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, और फर्दर और भी डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से ये परीक्षाएं होंगी। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाए थे थर्ड और फोर्थ फेज की परीक्षाओं के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले आइए सुन लेते हैं शिक्षा मंत्री को, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जेई मेंस की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुई है। आप लंबे समय से प्रतीक्षा रख भी हैं कि आपके जेईई की जो मेन परीक्षा है उसके जो दो चरण बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि दो चरणों की परीक्षाएं तो समय पर आयोजित हो गई थी। जो दो चरणों की होनी थी वो कोरोना के भयंकर संकट के चलते उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया गया था। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं, आपका की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2021 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो जानकर के आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आपकी तीसरे चरण की 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगी और 25 जुलाई 2021 तक चलेंगी, उस परीक्षा में जिन छात्रों ने किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो आवेदन नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन, आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है। जो चौथे चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगी, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी भी परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए ने आपको दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं तो इन दोनों परीक्षाओं में, इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे, उन तीनों दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार, यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश होगी
कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जहां परीक्षा के केंद्र जितने पिछली बार थे उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है ताकि सामाजिक दूरियां सुनिश्चित हो सकें और दूरियों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, और इसीलिए SOP का पालन करने का बार बार आग्रह किया। मैं आप सब की ओर से, अभिभावकों की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। हम सब लोग कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में जहाँ JEE की परीक्षा केवल एक बार होती थी, अब JEE की परीक्षाएं 4 बार होंगी और उन 4 बारों में भी जो उसके सर्वोत्कृष्ट नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर कि एक बार की जगह 4 बार और उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा, उत्कृष्ट हो, उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का था, वो अपनी मातृभाषा में इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है। वो भी इंजीनियर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में भी इंजीनियर बन सकता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार हमने JEE की परीक्षा को, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट और JEE को कोरोना काल के हम बहुत सफल रहे हैं, आप सबकी मदद मिली है, राज्यों की मदद मिली है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्री से गण से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, अभिभावक गण से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP की गाइडलाइन है, कृपया उसका ज़रूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पर जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम उसका पालन करेंगे और मैं प्रिय छात्र छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। एक बार आप निश्चिंत होकर के स्वच्छंद तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहाँ पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें, मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। थे JEE मेंस के बारे में, ये थे शिक्षा मंत्री जो जानकारी दे रहे थे JEE मेंस के बारे में, जो 3rd फेज की परीक्षा होनी है वो 20 से 25 जुलाई के बीच में हो जाएगी और जो 4th फेज की परीक्षा होनी है वो 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हो जाएगी। तो बिल्कुल आप स्टूडेंट JEE मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल तैयार रहें एग्ज़ाम देने के लिए, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अगर JEE मेंस या 3rd या 4th फेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है कि आज इन्हें आप 6, 7, 8, 3 दिन आपको दिए गए हैं कि आप 3 दिन इसे ऑनलाइन NTA की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि अगर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको अवसर दिया गया। आप ऑनलाइन NTA की वेबसाइट पर जाकर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं। तो बहुत ही अहम बात है, एक तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया, 3rd फेज की परीक्षा होगी 20 से 25 जुलाई के बीच में, 4th फेज की परीक्षा होगी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। आप अपना सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं, ऑनलाइन NTA की वेबसाइट पर जाएँ और अपना वेबसाइट पर जाके अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं। दूसरी अहम बात यह कि जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, यानी चूँकि कोरोना के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या परिवार में बहुत दिक्कत थी तो 3rd या 4th फेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, आज से ये बिल्कुल ओपन है और आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, यानी आज कल और परसों 3 दिन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी अलॉट कर दिए जाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि चूँकि ये परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, आपको सेंटर पर जाना होगा, जल्दी इसके बारे में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने देश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिला प्रशासन है, उनसे भी ये अपील करी है कि बच्चों की सुरक्षा ही सबसे अहम मुद्दा है, इसलिए ज़रूरी है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आएगी उसको ज़रूर पालन किया जाए। कोरोना के चलते जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो अपना पूरा ख्याल रखें और अपनी तैयारियों को बिल्कुल एक भी पल गंवाए बिना आप बिल्कुल JEE में
मेंस की तैयारी करते रहे, बहुत अच्छी बात है कि चूंकि इस बार ऐसा भी हो रहा है कि आप अपनी मातृभाषा में एग्जाम दे पा रहे हैं, बच्चे लैंग्वेज को लेकर भी सवाल पूछते, तो इसमें आप अपनी जो भी मदर टंग है उसको फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग, या आप इंग्लिश में देना चाहें, हिंदी में देना चाहें, या जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में करना चाहें, तो आप किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। आइए एक बार फिर से लेते हैं शिक्षा मंत्री को, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस की परीक्षाओं की तैयारी में क्या आप कैसे ध्यान रखें। लंबे समय से प्रतीक्षा रख भी हैं कि आपके जेईई की जो मेन परीक्षा है उसके जो दो चरण बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि दो चरणों की परीक्षाएं तो समय पर आयोजित हो गई थी, जो दो चरणों की होनी थी वो कोरोना के भयंकर संकट के चलते उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया गया था। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं, आपका की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2021 2 अगस्त तक 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जानकर के आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आपकी तीसरे चरण की 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगी और 25 जुलाई 2021 तक चलेंगी, उस परीक्षा में जिन छात्रों ने किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो आवेदन नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन, आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है। जो चौथे चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित होंगी, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी भी परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए ने आपको दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं तो इन दोनों परीक्षाओं में इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे उन तीनों दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जहाँ परीक्षा के केंद्र जितने पिछली बार थे उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है ताकि सामाजिक दूरियाँ सुनिश्चित हो सकें और दूरियों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए एसओपी का पालन करने का बार बार आग्रह किया।
मैं आप सब की ओर से, अभिभावकों की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। हम सब लोग कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में जहाँ जेईई की परीक्षा केवल एक बार होती थी, अब जेईई की परीक्षाएं चार बार होंगी और उन चारों बारों में भी जो उसके सर्वोत्कृष्ट नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर कि एक बार की जगह चार बार और उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा, उत्कृष्ट हो, उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का था, वो अपनी मातृभाषा में इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है। वो भी इंजीनियर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में भी इंजीनियर बन सकता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार हमने जेईई की परीक्षा को, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट और जेईई को कोरोना काल के हम बहुत सफल रहे हैं, आप सबकी मदद मिली है, राज्यों की मदद मिली है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्री से गण से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, अभिभावक गण से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP की गाइडलाइन है, कृपया उसका ज़रूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पर जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम उसका पालन करेंगे और मैं प्रिय छात्र छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। एक बार आप निश्चिंत होकर के स्वच्छंद तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहाँ पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे, 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। बेहद अहम ये जैसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दी है, बेहद अहम जानकारी। आपकी जो थर्ड फेज की सर परीक्षाएं हैं जेई मेंस की, वो 20 से 25 जुलाई के बीच में होंगी और आपको तीसरे चरण की जो परीक्षा है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई के बीच में होगी और इसी तरह से चौथे चरण की जो परीक्षा है वो 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो परीक्षा में बैठने के NTA ने मौका दिया है, आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो 6 से 8 जून के बीच में, यानी आज से परसों के बीच में 6, 7 और 8 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अगर अभी तक आपने जेई मेंस की थर्ड और फोर्थ परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी दी है शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने। और इस समय की बेहद अहम खबर, जेई मेंस की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आप ज़्यादा डिटेल NTA की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड फेज, थर्ड फेज की परीक्षा होगी 20 से 25 जुलाई के बीच में, फोर्थ फेज की परीक्षा होगी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 6, 7 और 8 यानी 6, 7 और 8 जुलाई तक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। आप NTA की वेबसाइट पर जाएं, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और चूंकि कई भाषाओं में पढ़ी हो रही तो बहुत बेहतरीन मौका, 13 languages है जिसमें कि जेई मेन्स की परीक्षाएँ होंगी। आप अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी की जाएगी आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि परीक्षाएं ऑफलाइन होगी और आपको सेंटर पर जाकर ही एग्ज़ाम देना होगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना, अगले अपडेट्स में हम फिर हाजिर होंगे।